हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन फिर से शुरू हो चुका है, जैसा कि कुछ दिन पहले बंद था। और इसको लेकर के आंदोलन भी 2 दिन अभी हुए हैं, बैंकर्स ने किया है कल और आज। ठीक है, अभी आगे आंदोलन जारी रहेगा नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है आज के आंदोलन पे, कि देखिए वो लोग क्या निर्णय लेते हैं, क्या इसमें और लोग शामिल हो जाएंगे या फिर आंदोलन को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी उसके बाद ऐसा न्यूज़ आया है फ्रेंड्स, जो सुन के आपको खुद धक्का लगेगा। एक ऐसा न्यूज़ आया है और इसमें केवल आपका वित्त मंत्रालय नहीं, यानी केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि यहाँ पे नीति आयोग भी शामिल है। पूरे प्लानिंग के साथ इस काम को किया जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं यही न्यूज़ देने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, और स्ट्राइक का कितना इफेक्ट पड़ा है, क्या प्राइवेटाइजेशन रुक जाएगा या फिर और आगे बढ़ेगा। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा आंदोलन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर लिया है प्राइवेटाइजेशन का। और आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि इसके ऊपर कभी भी किसी का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कोई आंदोलन करे, अपना जान दे या कुछ करे। आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही है, बल्कि अंबानी, क्या कहें, अंबानाइजेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, और अडानाइजेशन कह सकते हैं, कर रही है। ठीक है, सिंपल वर्ड में यानी अंबानी अडानी को बेच रही है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को एक साथ मिला के बोल देते हैं, बट फ्रेंड्स डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कुछ शेयर किसी कंपनी को बेची जाती है अपने गवर्नमेंट सेक्टर की। ठीक है, बट मालिकाना हक जो होता है, यानी जो पॉजिशन पोजिशन होता है, वो गवर्नमेंट के पास होता है। कहीं 51% होता है तो कहीं 60% गवर्नमेंट के पास होता है अधिकार। ठीक है, बट यहाँ पे पूरी तरीके से बेचने की प्लानिंग की जा रही है। और यहाँ पे केवल बैंक की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स, अदर सेक्टर भी बेचे जाएंगे, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुए और अदर सेक्टर्स हुए। अभी आपको मालूम है कई सारे मतलब उपक्रम वगैरह बिक चुके हैं। ठीक है, और पे अभी काम चल रहा है, तो यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रही है। आपको मालूम होगा कि यही बैंकर्स जो हैं, अभी आपको क्या दिखा रहे थे, जीएसटी के फ़ायदे गिना रहे थे, नोटबंदी के फ़ायदे गिनवा रहे थे, अब यही बैंकर्स रोड पे आए हैं खुद। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई भी मुसीबत आती है खुद पे, तभी लोग समझ पाते हैं कि मुसीबत क्या होती है, अदरवाइज़ लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी भी बहुत से लोग इस प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि इससे क्या होगा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ से आरक्षण खत्म नहीं होगा, बल्कि और पनपेगा आरक्षण। अभी तक क्या है, घोषित आरक्षण है, संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण है, लेकिन अघोषित आरक्षण शुरू हो जाएगा, असंवैधानिक आरक्षण शुरू हो जाएगा, जैसा कि संविधान बनने से पहले था देश में। पहले अंग्रेज थे, केवल अंग्रेज ही राज करते थे और भारतीयों को अच्छा पोजीशन नहीं देते थे। तो अब क्या होगा, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो लोग प्राइवेट जॉब के लिए मजबूर हो जाएंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो भी, अनपढ़ रहेंगे तो भी, और उसमें भी क्या कंपटीशन होगा, कौन कितना दलाली कर पाता है अपने मालिक का, कौन कितना चापलूसी कर पाता है, उसी को नौकरी पर रखा जाएगा। और वहां भी आपको सैलरी ऐसी मिलेगी कि केवल आपका पेट भर सकता है, आप अपने डेवलपमेंट के बारे में, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं फिर से हम गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर से देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। इसे पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा फ्रेंड्स, लेकिन आप अपने ऊपर लेके सोचिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि सही है तो एक बार खुद सोचिएगा, दिल पे हाथ रखें, कहां तक सही, कैसे सही है। कुछ लोग आरक्षण जोड़ते, कुछ लोग बोलते कामचोर होते एम्प्लॉय। फ्रेंड्स कामचोर नहीं होते हैं, अगर वो कामचोर है तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन इसके मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई एक काम चोर है तो उसके जैसे पूरे कंपनी को ही बेच दीजिए। अगर आपके घर में कोई एक नलायक निकल जाता है तो पूरे घर वालों को फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे, उसे समझाने का प्रयास करें, उसे पनिशमेंट दें, उसके लिए सभी को एक साथ न तोले एक ही तराजू पे, ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, बैंकर्स अभी सपोर्ट में लगे हुए थे, अभी बहुत से एम्प्लॉय सपोर्ट में लगे हुए प्राइवेटाइजेशन के, क्योंकि उनके ऊपर अभी नहीं आया है। लेकिन आपको मालूम है ना फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आग लगेगी तो क्या होगा, यहाँ फिर मेरा मकान सबका घर इज्जत में आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ कहानी है, मैं डायरेक्टली नहीं बोला हूँ, सीधा बोल के थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स जब आग लगेगी तो सबके ऊपर आएगी, ठीक है, सबका मकान जलेगा, केवल एक का मकान वहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी भी अगर नहीं सचेत हुए, अभी भी नहीं जाएंगे, जो बैंकर्स बन चुके हैं या फिर बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो रेल एम्प्लॉयज़ हैं या फिर रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी के लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। ठीक है, बस आप ये मान लीजिए, ये किसी का होने वाला नहीं है, फिर से देश गुलामी की ओर जाएगा और आप मजबूर हो जाएंगे 2,000, 4,000, 10,000 का नौकरी करने के लिए और दिन रात मेहनत करने के लिए, फिर से गुलामी के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। गुलामी के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। अभी तक क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके पास अधिकार बचा हुआ है विरोध करने का, कि आपकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, आप सब वर्क ज़्यादा ले जा रहे हैं और सब। और अभी आपको मालूम होगा वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया गया है, 8 घंटा से 12 घंटा कर दिया गया 1 अप्रैल से।
ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हुई हैं जो नहीं होने चाहिए थे, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसके मतलब विरोध में आपको खड़ा होना ही होगा। और अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट का फ्रेंड्स कि क्या हुआ है आज अभी तक, तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स क्या हुआ है। निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है 2 दिन के आंदोलन के बाद कि हम अपने कर्मचारियों का अधिकारियों का ख्याल रख रहे हैं और सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करेंगे। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या कह रही है, निजीकरण करेंगी, बस ये क्या कह रही, सभी बैंकों का नहीं, वो भी अभी के लिए, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये क्यों करें, इसका रीज़न लोग नहीं देंगे, बस इन्हें पैसा लूटना है, कमाना है और फिर अपने किनारे हो जाना है। आपको मालूम है हमारे देश के सांसद विधायक कितना मतलब पेंशन वगैरह लेते हैं, और यहाँ एम्प्लॉयज़ पेंशन भी नहीं पा रहे, अपने सैलरी के लिए तरस रहे, अपने नौकरी के लिए तरस रहे हैं, घर परिवार चलाने के लिए तरस रहे हैं, और उन्हें वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण जी आज यही कहा कि हम सभी का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, यानी कि 5 बैंक को छोड़ देंगे। आपको मालूम होगा 5 बैंक कौन सा होगा, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, और कोई 2 बैंक है, आपको खुद मालूम होगा इतना, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो बच जाएंगे, लेकिन वो कब तक बचेंगे फ्रेंड्स वो भी मैं बता दूं आपको, ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। मैं तो आपको पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि 20 से 12 करेंगे, 12 से 5 करेंगे, तो 12 तो कर ही चुके हैं और 5 करने की प्लानिंग चल रही है, फिर 5 के बाद पूरा खत्म कर देंगे एकदम। और LIC भी साथ साथ आ रहा है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 1 अप्रैल से लगभग 2 बैंक तो बेचने ही जा रहे हैं और 1 LIC बेचने जा रहे हैं, आपको मालूम होगा। यानी कि 2 बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी अभी बेचने जा रहे हैं, बाकी ये लोग बाद में बेचेंगे। तो फ्रेंड्स अब कुछ नहीं बचने वाला है आपके हाथ में। अगर आप अभी भी नहीं समझ में आया आपके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप केवल रोते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, आप केवल जात धर्म में बटे रहेंगे और ये लोग अपना काम करके चले जाएंगे और फिर से सरकार में आ जाएंगे, फिर संविधान भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, गुलामी की तरफ देश वापस पहुँच जाएगा। बस यही मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो आपको इसके लिए आवाज़ उठाना होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन लगभग पूरे देश का हो रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो जो बात कहा है जस्ट उसका उल्टा काम किया। इन्होंने कहा रोज़गार देना है, इन्होंने रोज़गार छीन लिया। इन्होंने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, देश बेच दिया। इन्होंने क्या किया, दलितों का मतलब पैर छुआ तो दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो इन्होंने कहा जस्ट उसका उल्टा किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी से सचेत नहीं होते हैं, अभी से इसके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, तो आगे और भी बुरे दिन आ सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मैं एग्जांपल क्या दूं, अभी शायद बोलीविया एक कंट्री है या फिर कोई कंट्री है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही वहाँ पर ये हालत आ गया कि पानी तक खरीद के पीना पड़ा। और फिर क्या हुआ, पानी भी खरीदने पर नहीं मिला, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि पानी खरीद के पी सके फ्रेंड्स, तो विरोध क्या करेंगे किसी का। तो फ्रेंड्स अभी ऐसा हालत अपने देश का नहीं हुआ है, अगर ऐसा हालत होने से बचाना है तो आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा और स्ट्राइक तो करना ही होगा गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, तभी आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप बैठे बैठाए रह जाएंगे और क्या होगा, खुद ब खुद सुसाइड करना पड़ जाएगा, जो कंडीशन यहाँ पे अभी देश की हो रही है फ्रेंड्स। पूरे देश की ऐसी हालत बना दी गई है इस समय कि आप बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, ये हाल हो गया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 आप लोग सभी लोग इस चीज़ का क्या करें, विरोध करें, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करें, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर कोई डिपार्टमेंट हो, सब लोग आप लोग क्या करें, विरोध करें, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ होने वाला नहीं है। वित्त मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि हम सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, यानी कि कुछ बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने वाली हैं ये, ठीक है, यानी कि अभी ये पीछे नहीं हटी हैं, तो आपको इसका विरोध करना ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस मैं अभी आपसे इतना ही कहना चाहता था, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।